बशमिल्लामान रहीम प्रोग्राम मुल्तान रंगा मेज़बान आमिर शहजादी खिदमतें हाज़िर और अपने तमाम देखना ने कुछ सलाम पेश करेंगे नाजिर करम सा मुल्तान और मुल्तान इर्दगिज जितना साब है ये अल्लाह दे नेक वलिया न भरिया होया और उन्होंने रियाजात उन्होंने इबादत की बदौलत अल्ह ने ई जमीन को ऐसा एक एजाज़ बख्शे कि एक को ओलियाँ की सरजमीन आख्या गया अज असा ज मोहतरम बुजुर्ग का जिक्र करने हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारबी किबला तबलीगात उन्हीमत और उन्होंने रोशनियों साढ़े मुआरे ने क्या असरात सारे मुआरे मुरतब थे और अस कि उन्होंने को अपने हिकायत पाइए और असा रोशनियों किमें अपनी जिंदगी बसर पे रहने ओलिया अपनी तालीम इंसानी जिंदगी बड़े असरात होते खाजा नूर मोहम्मद महारवी खरल की विलादत चौदह रमज़ान ग्यारह सौ पताली हिजरी बा मुताबिकू अप्रैल सतारा सौ उन चौटाला ज़रा कि महार शरीफ दे मशरे के मशरक़ वाकया एक गाँव आई उतों उन्हों की विलादत थी आप दे, दे ग्रामी हिंदल खान खरल के ना जाने और वालदा आकिल खातून दे देने पबा सिलसिला चिश्तिया आपकी इब्तदई तालीम अपने गाँव यानी महार शरीफ आपने हासिल की और बाद तालीम और तरबीयत फिक्री और रूहानी फैज की खातिर आपने डेरा गाजी खां लाहौर और बाद दिल्ली तशीफ के आज ही महान हस्ती गुफ्तगू वास्ते जड़े शख्सियात मौजूद हैं उन्हें सब तु तो पहले साफ़ फरमा डॉक्टर मुहमद अकमल मदनी साहब डॉक्टर साहब हार्ट स्पैशलिस्ट हैं मगर इन्हों अल्लाह ने इन को एक ऐसे नुरानी दिल नवाजे होए कि इन्हों के दिल के दे बड़ी मुहब्बत पाई वैदी है दुनिया के हर शोबे ना ख़ास तौर पर तसवफ के हवाले न अल्ह ने इन्होंने दिल को बड़ा रोशन और कुशादा रख्या हो आप इस्लामी स्कॉलर हैं और दानश्वर हैं सारे दूजे मेहमान मखदूम गुलाम अकबर हाशमी साहेब तशीफ फरमा आप दानश्वर हैं आप गद्दी नशीन आप शायर हैं आप मुफकर हैं आप भी गुफ्तगु करसन और हमेशा की तरह सारे प्रोग्राम में सारे तीसरे मेहमान हमजा रूफी नौजवान सारे को तशीफ़ फरमा आपको अल्लाह ने बहुत अच्छा गला दिता हो आगाज़ करेसूँ प्रोग्राम दा। सब करे सूं, सहीव। सहीव, सब ए, ए, का सब तो पहले गुफ्तगु करेसों डॉक्टर अकमद मदनी साहब डॉक्टर साहब सब तो पहले खुश हम दीदा मैं बहुत शुक्र गुजार हाँ जी आप ऐसा इलाकाई प्रोग्राम जिन्हें मतलब है कि अपनी शोरत अपने यानी कि तो डॉ मेरा जाती ख्याल हार्ट के स्पलिस्ट भी हो और जो मौजूद इनका तल्लुक भी दिल के ना अजे बड़े बेहतरीन मेहमान मेरी नज़र वर्माओ और आप दिलसिला हज़रत ख्वाजा नूर मुहमद महारवी किबलाम आपका इंटरव्यू भी दस आपके वाले साहब का हवाला भी दिते आपकी वालदा माजदा का हवाला भी दजुर्ग ने आपकी वालदा माजदा को जब कबलस उन्होंने शादी उन्होंने निकाह तो पहले दिखा उन्होंने आख्या कि भाई त मतलब एक वली ने तौरे शिकम तो जन्म किन और एक ऐसा कामिल वली इन जमीन ते आसी जिला सिलसिला तौरे को चलना है अल्लाह तदन भी कहीं वली को कहीं सूफी को जमीन पर पैदा किते तो कबल वक्त इशारे मिलना शुरू थी बेंद्वफ और रूहानियत एक सिलसिले की शहजाद साहब बड़ी तरह प्यारी गाली है क्योंकि अल्लाह तला ने अपनी मखलूक हिदायत वास्ते ही जमीन से पैगंबर की सूरत रसूल की सूरत ऐसे ऐसे कम हस्तियाँ भेजी जिन्होंने यानी कि मखलूक दस कि अर्जा खालिक कौन है कि बंदगी करनी है किय हिदायत रस्ता है हजूर पास बेस के बाद चूंकि आप खात्म न हैं तो आप दबो सिलसिलासिला ख़त्म हो गया तो अल्लाह तला नेदायत रुश्ता जो सिलसिला है तो चलावाना है ना क्या मत बेश आपद गुलामों के जरिए जिन्होंने कुछ ओलिया कराम आगते हैं इस सिलसिला चला गया तो जो तुमने फरमाया अपने इंटरव्यो कि ऐसी ऐसी मुंतखिब हस्तियाँ खुशन साढ़े हिंसा मुल्तान जो सरजमेन ओलिया कराम हैं ये आए कि जिन्होंने मतलब कि अपनी हजू पसंद गुलामी के नूर नाल ही कुफरिस्तान के इलाके को मु... रोशन मनोबर इस्लाम के नूर न कर लिता तो है तो उन्हें अज की जो मुंतखिब हस्ती हैं जनाब ख्वाजा नूर महाविदी साहब रहमत आल शामिल हैं जो तक फरमाया कि उन्होंने वालदा को एक बुज़ुर्ग काम मिलने सूफी त्रेस मशन ने पहले दस दिता कि एक हस्ती तशीफ ला चाहते हैं इनके शक कौनी बा हालात ने यह चीज़ सबित फरमाई कि आपने अपना चिश्तियाँ दुखीन तो के लाहौर के बल देली तो बल सिरसा चिश्त को जिन्हें बधाया कुफर के मरकज को हजूर पसंद गुलामन जि आबाद किया मतलब एक तारीख है इस्लामीदार तकी है तस्वरदार एक रोशन बाप है ਤੇ ਜਿੰਦਕੁਲ ਮਤਲਬ ਜਿੰਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜੜੀਏ ਉਹ ਅਜ ਵੀ ਜਗਮਗਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਲੋਗਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਗਮਗਾਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰ ਉਮਰ ਕਲ ਘਨ ਕੇ ਹੋਂ ਤੱਕ ਜੀ ਹਾਂ ਸੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਕਈ ਕੋ ਕੋ ਹਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫਰਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਦਾ ਇਸਲਾਮੀ ਯਾਨੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਕਮ ਘਨਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਜਾ ਮਾਰਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਲਿਮਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ سلسلہ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਆਉਂਦੇ ਔਰਤਾ ਅਬਦ ਇਹਨੇ ਜਾਰੀ ਰਾਵਣੇ ਜੀ ਸਹੀ ਇਹ ਤਸਫੀਰ ਦੇ ਜਿਸਸਲੇ ਹਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਜੇ ਮਸਤਸ਼ਕੀਨ ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਰੀਐਂਟਲਿਸਟ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਕੰਸਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਉਹ ਹੀ ਸਿਸਲੇ ਕੋ ਉਹਨਾ ਸਿਸਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ जिन्होंने अपनी जिंदगी त्याग कर लीता जिनके जंगलें जवान बसे, जिन्होंने जिंदगी छोड़ दी उन्होंने को इन्होंने इनसाइड करने की कोशिश करेंगे लेकिन अगर असं इस्लामी तस्वीर का मुताला करूँ तो यह चीज़ सामने आती है कि ऐसी नमी चीज़ को नहीं, आदम अल्लाम तू गिन शी ना हजरत मोहम्मद तो आप दिसबत न श्री शेर खुदा के ग्रां तू गिन आज कलते सुफिया कराम मतलब इस लड़ी चली आँदी है जिन्होंने

ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਜੇ ਸਿਸਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਆਦੇ ਕਿ ਸਿਸਲਾ ਸੋਰਵਰਦੀ ਹੈ ਸਿਸਲਾ ਕਾਦਰੀ ਹੈ ਸਿਸਲਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਿਸਲਾ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਹੈ ਸਿਵੈ ਸਿਸਲਾ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਨ ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਦੀ ਵਸਾਸਤ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਬਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੀਨਾ ਸ਼ਰੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਜੁਣੀ ਜਾਂਦੇ कोई नवी मुताबिक बेशक बेशक ये यानी कि जो चश्मा है उनेरे खुद शराब थी उसको क्योंकि जो फैज मिले हर की तय शुद्ध है क्या तक जो भी फैज मिली सरकार घराने सारे कट्ठे बैठे मखदूम गुलाम अकबर हाशमी साहब आप माशा मुफकर भी हैं आप शायर भी हैं आप गद्दी नशीन भी हैं आप रइटर भी हैं और आप एक वसी तजर्बा रखने ब्रॉडकास्टर भी हैं तखदूम साहब खुश आमदीद बड़ी मेहरबान है मखदूम के सिलसिला खुद गद्दी नशीनी दे माशा आप मखदूम हो आप एक ऐसे सिलसिले मखदूम हो कि जो सारे को तरीह पैंती किलोमीटर मुल्तान और फयूस और फयाज इंसान ने जितू फैस पावना हो भले सैकड़ों मील दूर हो ਹਜ਼ਰਤ ਕੋਈ ਸਫਰ ਨੀ ਨਾ ਉਤੇ ਉਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਕੋ ਤਲਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਸਕਕੀ ਤੁਸਾਂ حضرت ਮਹਾਰਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ سلسلے ਕੋ ਥੋੜਾ ਜਿਆ ਸਾਰੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅਕਮਲ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾ ਕਿ ਕੋ ਨਵੀਂ ਗਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਸਲਾਸਿਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਚਿਸ਼ਤਿਆ ਕਾਦਰੀਆ ਨਖਸ਼ਬੰਦੀਆ तमाम ਸਲਾਸਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਸਲਾਹ ਔਰ ਗੁਮਰਾਹੀ ਕੋ ਲੂ ਬਹਿਰ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਇੱਕ سلسلہ ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਤੇ سلسلہ ਕਾਦਰੀਆ حضرت نور محمد ਮਹਾਰਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਸੂਸੀਅਤ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰੈ ਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰ ਸਾਇਦ تھے ਬਹਾਉਦੀਨ ਜ਼ਕਰੀਆ ਰਹਾਮਤੁਲਾਹ আলাইਦਾ ਬਹੁਤ بڑا ਉੱਥੇ حضرت ਬਾਬ ਫਰੀਦ ਗੰਜਕਰਮਤullah علیہ ਪੜਦੇ ਆਂ ਉਹ ਦੌਰਾਨ حضرت ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਰahmatullah علیہ تشریف ਗਿਆ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੂਰਾ ਹੈ ਆਪ ਬੜੇ ਬਹੁ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਗੱਦੀ ਆਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਜ਼ਗਾਰ ਆਨ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਆਨ ਔਰ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੇ ਇਲਮ ਦੀ وجہ ਨਾਲ ਤਸਵਫ ਦੀ وجہ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਬਲੀਗੀ ਦੀ وجہ ਨਾਲ ਬਹੁ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਇਹ ਲੈ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਆਪ حضرت ਬਖ ਫਰੀਦ ਗਨਸ਼ਕਰ ਅਮਤੁੱਲਾਹ ਲੈ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਠੀ ਨਾ ਤੇ ਤਸੱਵੁਫ ਸਿੱਖਦਾ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ فرمایا ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਗਾਲੇ ਆਪ ਨੇ فرمایا حضرت ਬਖਤਿਆਰ ਕਾ ਕੀਰਮਤੁੱਲਾਹ ਲੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਲੂ ਮੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਕਮਲ ਕਰੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਉਦੇ ਬਾਅਦ ਤਸੱਵੁਫ ਸਿੱਖੋ ਵਾਹ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤਸਵਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਗੈਰ ਬਗੈਰ ਇਲਮ ਦੇ ਇਵੇਂ ਨਕਲੀ ਕੰਮ ਹੈ ਵਾਹ ਇਵੇਂ ਨਕਲ ਨਾਲ ਲਿਗਾ ਲੈ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਅਸਲ ਵਜਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਇਲਮ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਤਕਮੀਲ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਤਸਵਫ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਉਹ ਲੈ ਤੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮਹਾਰਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਢੇ ਸਾਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰ ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਹਜ਼ਰਤ ਆਕਿਲ ਬੀਬੀ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾ ਅਲੈਹਾ ਕੋ ਖਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨੂਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਗੀਏ ਵਾਹ ਵਾਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਥੀ ਗਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਵਾਲ ਉਹਦੇ ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਅਗੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਭਈ ਇੱਕ ਯੁਕਤੀ ا بشارت رتی تعبیر رتی بھائی ہوندا ایویں میں گال تھی چکی ہے تا حضرت خواجہ نور محمد مہاروی صاحب دا جڑی خصوصیت ہر جا مشہور ہے اوے کہ انہاں دی تعلیمات دے وچ سنت پاک دے تے عمل کرنا پہلی ترجیح ہے سبحان اللہ سبحان اللہ او مطلب اس چھوٹی تے نہیں گال کریندے بنیادی جڑے کام ہیں او وی سنت مطابق کریںن ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹ ਆ ਦਿਨ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਮਾਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਤਕਮੀਲ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਹ ਦਸਰੀ ਮੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਆਪ ਦਾ ਇਲਮ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਮਤਲਬ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਇਤਨੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਇਤਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ حضرت ਫਖਰਉਦੀਨ ਫਖਰ ਜਹਾਂ ਆਪ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਤੇ ਆਪ حضرت ਖਾਜਾ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮਹਾਰਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਦਸਤ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ ਇਹ حضرت ਖਾਜਾ ਨਿਜ਼ਾਮਉਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦਾ ਤੇ ਆਪ ਕੋ ਖিলাਫਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ حضرت ਬਾਬ ਫਰੀਦ ਗੰਜ ਸ਼ਕਰਾਮਤੁਲਾਹ ਲੈ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਇਹ ਇਵੇਂ ਯੁਥਿਆ ਕਿ حضرت ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ حضرت ਮੁਇਨੁਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹਨ حضرت ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈ حضرت ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹਨ حضرت ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੰਸ਼ ਸ਼ਕਰ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈ حضرت ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੰਸ਼ ਸ਼ਕਰ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹਨ حضرت ਖਾਜਾ ਨਿਜ਼ਾਮਉਦੀਨ ਔਲੀਆ ਅਸਥਾ حضرت ਖਾਜਾ ਗੁਲਾ ਖਾਜਾ ਨਿਜ਼ਾਮਉਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਬਲੀਗ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ਾਤ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਈ ਉਹ ਕੋ ਅਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਤਸਲਸਲ ਕੋ ਡਿਠਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮਹਾਰਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਤਨਾ ਫੈਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਖਾਬ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵਾ ਸੁਭਾਨ ਦੁਨੀਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਇਥੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਸੁਲੈਮਾਨ ਤੌਸਵੀ دین ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਸਵਫ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਬੇ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮਹਾਰਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਸਤ ਬੈਤ ਜਿਹੜੇ ਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਗਿਆ ਵਾਹ ਤੇ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਕਾਦਰੀ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤਸلسل ਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਵਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਤਸ਼ਰੀਹ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਲਸਲੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਰਫ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ साड़े नाल एक तीसरा मेहमान इतना तशीफ रखें सारे हमजा रूफ़ी आप एक खुशगलू नौजवान अल्लाह ने अच्छी आवाज़ दीती है आज असा पूछते हैं हमजा रूफ़ी कलू कि हमजा सब तो पहले तो खुश हम थी आप माशाला नौजवान हो एक किवे रुझान तौर पैदा थे कि मैं हम शरीफ और नाज शरीफ और इंपास मैं दरअसल बचपन से नाज शरीफ का मुझे शौक भी था अच्छा। नहीं कोई पहले सिलसिला था घर में घर में वालदा और ये एक वो प्रोग्राम का सिलसिला हुआ करता था घर में ख़वान की माफी हुआ करती थी तो उनको देख देख के भी और मुझे अपनी उम्र भी याद नहीं पड़ती मैं जब से ना शरीफ पढ़ रहा हूँ इसका इस, इस दरअसा वो गुज़रा है ना शरीफ में तो वो अलहमदिल्ला वो घर की एक तरबियत भी थी ऐसी कि वो शरीफ की तरह एक रगबत थी और ना शरीफ से मोहब्बत थी सही। ਤੋਂ ਬਸ ਉਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਵੈਸੇ ਬਦੂਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਰਗਬਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋ ਬਣੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਤਰਾਫ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਗੁ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਕਿਤਨੇ ਔਰਾ ਕੈਸੇ ਰਸਿੰਦੀ ਹੈ ਝੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਤੁਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੈਠੇ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮਹਾਰਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਲਿਹਾ ਅਬਦਾ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਆਕਿਲ ਬੀਬੀ ਉਹ ਇਤਨੀ ਸਾਲੇ ਹੰਤ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਸਵਫ ਦਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਰੂਫੀ ਕੀ ਸੁਣਨਦੇ ਪਿਓ ਸਰ ਆ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਦੇ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੋ ਚੰਦ ਸ਼ਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਥ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਅਜ ਸਿੱਖ ਮਿਤਰਾ ਦੀ ਵਧੇਰੀ ਅਜ ਸਿੱਖ मित्रा देवधेरी क्यों दिलड़ी उदास घने लूलू लूँ बिच शौक चंगेरी अजनैना लाया क्यों जड़िया और इस सूरत जाना खा।, जाना खा के जाने जहाना खा सच आखा ते रब दी मैं शाना खा जिस शान तो शाना सब बनियाँ सच आखा तेरब मैं शान खा जिस शान तो शाना सब बनिया और मुख चंद बदर शा शानी मथे चमक दिलाट नुरानी है मुख चंद बदल शाह शानी ये मथे चमक दिलाट नूरानी है कालिजुल्फते अख मसता मखमूर अखी हैं मधरियाँ कािजुल फतेह अख मस्ता मखमूर अकी भरिया और दो अबरू को सिर्फ मिसा लेड नित के मया ते तीर चुट नित बसुर् आखा के लाले यम चिट्ट दंद मोती दिया हे लड़िया और शुभ नाम अजमल का मा आसन का मा मलका कहरे अली करी किथे खिया किथे कहरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखियां के थे जा अड़े सुभान अल्लाह सुभान सही मैं जी ने पहले अर्ज की है कि ये तस्वीर जो सिलसिला है जो को एक प्रापो गंडे के जरिए आजकल यानी कि एक एक यानी कि तजीक के मामले किता वे तुम तो रूफी साहब ने जो नाज शरीफ आखी है हजरत <सथ> पीर मेले शाह रहमतुल्लाह अलैहि तुम देखो तो कि सरासर सरकार द्वारा सुरसम के इश्क डुब गया नहीं शक कोई शक नहीं तो इनका पस मंजर भी यो है कि जब आप कह हैं मदीना शहीद ज्यादा उत्ते तो जे करीब जवार दी पहाड़ियाँ शुरू थीं हैं तो हूँ वक्त आपको यानी कि आपने नाश की पाखी है वाह वाह सुबह हाँ जी तो देखो जो हजरत नूर मोहम्मद मोहरी साहब सिलसिला है

क्या मार्फत है यह सिलसिला चलता चलता श्री न शे खुदा कदम श्री न शे खुदा मैं कराम जो है जो भी क्या बख्शी रूह हैं द्वारा नजरे कर शे खुदा की नज़र करने बैर मार्फत पा ही नहीं पाफत वसीजैक्ट ਮਾਰਫਤ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕਈ ਦਰ ਤੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿਰ ਨਾ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਫਖਰਉਦੀਨ ਫਖਰ ਜਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਖਾਸ سلسلہ ہے وہ جڑے لے اپ حضرت مہاروی صاحب نال ملاقات تھی ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਦਰਸ ਤੇ ਤਦਰੀਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ سلسلہ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਕਥਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਖਾ ਬਈ ਬਸ ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਡਿੱਠਾ ਆਪ ਦਾ ਜ਼ੌਕ ਡਿੱਠਾ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਔਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਬਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਆਪ ਨੇ ਮਤਲਬ ਤਰਬੀਅਤ ਫਰਮਾਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਖਾ ਬਈ ਅਗਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕੋ ਨਾ ਮਿਲਦੇ

क्याम हुक्म बिल्ला खिलाफ का सिलसिला जरा है यानी कि बफरीद गंजे शिकर के दरबार शिव के हत्या होया तो आप पूरी जिंदगी उनका इतना एहतराम फरमेंदे कि आप तो रवायत है कि हर जुमे को माँ जुमा आप उ बाबा फरीद शकरगंज के दरबार एक रवायत यह भी है कि नंगे वाह एम यानी कि अपना आखिरी लमाद तक आपने चीज़ का इतना एहतराम किया बाबा फरीद गंज शकर भी एक अजीम शख्सियत हैं कि जिन्होंने अपना मुकाम है जी तो आपने हजूर पासन जो गुलामी के झंडे गाड़े यानी पाक पतन एरिया जरा ऐसे मुस्तशद किस्म के यानी के اسلام دشمن عناصر ਨਾਲਾਈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਥਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੋ ਕਬੀਲਾ ਹੈ ਉਹ ਐਸਾ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਵੀ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਫਰਮਾਨਦੇ ਪਿਆਵੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਪਿਆੰਪੇ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਪਤਨ شریف ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾ ਅਜੋਧਾ ਨਹੀਂ ਅਜੋਧਾ 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 ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਲ ਆਪ ਦੇ تبلیغات ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ

सिलसिले बाद ज बाजदाद हैं ये सिख हैं या हिंदू हैं ठीक है ये देखो कि कहड़ी हस्तियां हैं बेशक जिन्होंने आके बेशक यानी कि इतना इस्लाम का नूर फैलाया सकारी द्वार सुनिधि यानी कि दी आकीयत का झंडा इतना गाड़िया जिन्हें सब वेखेल ना यानी कि हज़रत चिश्तिया मीर है यानी कि आपने सबको पहले जो आपको हुक्म मिले यानी कि आप अताए रसूल रसम आपको आखिर मैं ਕਿ ਆਪਕੋ ਸਰਕਾਰ ਦਰਸਨ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰੇ بڑے بڑے ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਸਿਨਾ ਫੈਜ਼ ਹਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਝੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਸਲੀਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਰਤ થઈ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੇਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਗਿਆ ਹਾਂ ਸੱਚ ਜੀ ਠੀਕ ਹਾਂ कि उत्त आपने एक दफा ज सफ़र किया हजद का हूँ एक हज के दौरान रवायात के अस्सी लख लोग हिंदू मुसलमान थे बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी तादाद है हूँ ही अगर तुम इनके शहजाद भाई अगर तुम मजो अजमेर शी मनो तो उठ एक चीज़ नोट के सो ये ओलिया क्राम जितने दरबार हैं इतने तुम वेख सो कि उतना कोई मजहब कोई नहीं

ते रंगे से सर है रंगी ही जो। सरकार मैं दसा कि ये मैं पहले पहले गुफ्तगू का आज किए ही चीज तो कि तस्वी इब्तः है ये नब्बी साहब सूफा जो हो ही हज अज तक बरकरार है उत्तर हजूर प्रसम के ऐसे गुलाम हैं जो हजूर प्रसम को बर रास्त तरबियत हासिल कहें आपकी बरह रास्त टेनिंग अंदर हम जिन्हें सुर्खील बड़े बड़े सबाक्राम वो सारा जैसा सिलसिला हज़रत अबू सब बुखारी रजरत अबूर खफ़ारी रज दूसरे सहाबा कर रामन उस सारे वल उन्होंने सिलसिला फैलाया उतों वल शेना शेर खुदा हज़रत इमाम हसन बसरी रज जुनीद बखद्दारी रमत ये सारे सिलसिले फैले व सिरसरा चुस्त फैला वाल, वाल अफ्रीका गया व अरब शेर फैलिया हूँ कुछ लोग ऐसे जो मतलब ही चीज़ कहते हैं कि इस्लाम इस्लाम की बेसिस तसवर जब मुताद किया जाए तो उनके तसवर के सारे एलीमेंट पाए हुए हैं बिल्कुल आपके सहाबाक्राम तस्वर के सारे एलीमेंट पाए हुए हैं आपके हरमे पाक आप दे यानी कि जरा प्यारा खानदान है नेक खानदान है आपदा जो गुलाम है तो ओलिया कराम की नस्ल हूँ जब चलती पी है क्या मदक चल दिया इन्हें तमाम वह साफ हैंमीदा जो सकारी दौर से उन्हें फरमाए जो कि मखदूमस ने पहले कहीज़ूर जो सुनत पा के अब तुम देख लो इन्होंने दे जी जिंदगी हैं इनकी जिंदगी बिल्कुल कामिल इताद का नमूना मुहबत अबलाग ज दरगाहे दौर भी अज तू बहुत अच्छी बात अच्छी तो बात छह सात सौ साल पहले आमिर शहजा सदीकी साहब ये वो टाइम हैज़रत बहाद्दीन जक्रिया रामतल आलह हज़रत बरीद गान शक्कर राम हज़रत खाजा निज़ामुद्दीन अलिया हज़रत मखनू रशीद कानी रहमत एक ज़माना है एक फजा है एक एनवायरमेंट है ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਟੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕਤ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਲੀ ਕੋ ਲੋ ਕੇ ਜੀਤ ਕੋ ਲੋ ਖਾਲੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਲਸਲ ਆਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾ ਇੱਕ ਤਸਲਸਲ ਆਂਦਾ ਬਈ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲੇ ਹੈ ਸਿਆ ਅੱਖ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਜੋਬਨ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖੇ ਦੀਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਔਰ ਕੀ ਦੇਖੇ ਉਹ ਗਾਲ ਉਹ ਲਾਈਟ ਉਹ ਫਜ਼ਾ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਚੁੱਕੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਬੁਫਰਾਜ਼ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਉਨੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨੂੰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਨੂੰ ਕੁਲ ਫੈਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਿਹਤਰ ਕੀ ਲੇਕਿਨ ਗਾਲੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰੇਂਦਾ ਪਿਆਮੀ ਕਿ ਇਵੇਂ ਇਹ ਫਜ਼ਾਹਾਈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਦੀਦ ਤਰੀਨ ਤਰੱਕੀ ਸੈਸੀ ਹੈ ਨਾ ਉਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਂਦਾ ਜੀ ਵਾਹ 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 ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਥੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 700 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਬਲੀਗ ਆਈ ਜਾਂ ਤਰੀਕੇ ਕਾ ਆਪਣੇ ਕੌਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੇਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਪੈਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਬਾਤੀ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਕਰੇ ਸੋ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਵਹੀ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਲਿਵਿੰਗ नशिशत करेंगे तरीक नशिशत है अगर जो मुजफ फरमाया कई नशिश्त बिल्कुल दरिया कूजे बंद करने अभी तो भी ऐसी हस्तियां हैं जो बरात सरकार ओलिया क्राम को एक सिलसिला है सिलसिला है जब चलता पे कैम तक राशि अभी भी दरबार सजद अभी भी हिदायत हासिल हिदायत नशर होंगी अभी भी एहकाम जारी होंगे खत्म नहीं थी सिलसिला हजूर पासमी डबूत है आपकी रिसाल आपकी जी सरदारी है आपकी जी इमामत है सुबह क्या खूबसूरत बात करते हैं बल्कि वेरान पढ़ी हैं बरसों से सबरुश तो हिदायत की राान पढ़ी हैं बरसों से अज्ञ गुफ्तगु बिल्कुल ही इंगाल की नफी फिक है कि कोई वक्त कोई वेला ऐसा गुजरा ही नहीं जरा रुश्त तो खाली कोई वक्त ऐसा क्या नहीं हूँ ये गुफ्तगु जी सारी देखने तक पहुँची पी है उन्होंने समाता कोई महसूर फिक रही है उन्होंने अखी को भी नाजरीन जो बैठे प्रोग्राम रहे बैठे ये अखी को भी भला लगता पे और जिक्र दिल पर भी असर पै कर और वो जिक्र नहीं जो दिल पर असर ना करे तो सिवा तो चलते हैं एक बे जिक्रे पासे सारे को हमजा रूफी बैठे अच्छा पूछते हैं हम सरूफ़ी के एक त साको ये दसो सुने दे का प्यो भैया ये दसो कि माशा जितनी गुफ्तु होती पी है आप नौजवान हो तो दिल तंदे असरात कायम थी पे आपने जैसे कि अभी कलाम के बारे में पूछा मैं सब चंदार मौलाना जाम रहा का फारसी का, का कलाम है तो उसके चंदार पेश करूँगा दूसरा आपने ये सवाल किया कि इस इस सारी गुफ्तु का असर हो रहा है या नहीं मैं बड़ा अलहदुल्लह यह महजूज़ हो रहा हूँ सुन के और एक बड़ी खुशी हो रही है कि आज के दौर में भी ऐसे मौजूद पर बात होती है अल्लाह बस हमें बुज़ुर्गों के बस नक्श कदम पर चलने की तोफ़ी कता फ़रमाए फरसुदा जा पारा जे हिजरा

दिलज मुरदा वारा जेड़सीं यारसल्ल्ला दिलं पज मुर आ वारा जेड़सिया यार सूल्ला चूसु मण गुजर आ री मने मिस्की से नादारी नादारी फिदाए नक्शे ना लयनत या रसूल लिदाए फिदाए, फिदाए नक्शे ना लैन फिदाए नक्शे ना लैनत को नम जा रसूल अल्लाह दे खेश है शिह है शुद रो सियानम

जमी गो के मर हस्त सुखरदा या रसूल अल्लाह नमी गो के मर हस्त सुखरदा या रसूल अल्लाह चुबा

है, रुम दारा या रसूल अल्लाह माशा जजाक अल्लाह जे रहमान जामी रहमतुल्लाह कलाम पेश की था सर ये तारीख में जी के सुनेजेको मुदीना शरीफ एक बड़ा यानी कि वाक्य मशहूर है दा दिल आखिरी मुदीना शरीफ की जारत को तो जो आप काफले शामिल थे गए तो मदीना गवर्नर को वक्त को सरकार द्वारा जियारत हुई तो एक चेहरा दिखाया गया कि एक बंदा आंदा भी मुदीना शरीफ दाखिल नहीं गवर्नर है उन्हें अपने हर कारे भेजे जामी और तो हजर जामिया रहमत काफले को कट के कि के वापस भेज दिया गया आप दोबारा कुछ अर्सों बाद दोबारा भेज बदल के कि बेकाफले के जरिए आए जे मदीना शरीफ को पहुंचने लगे तो वल गवर्नर हुक्म हो कि बंद आँगा पे ही भेस है चेक मदीना शरीफ नहीं था आपको वल वापस भेज दिता गया तो वल आखिरी दफा तीसरी दफा ज आप आए आपको दोबारा इमें किया गया तो आ दिन भी गवर्नर आई उन्हें खराब जो बरा रास्त सरकार की यार क्या माजरा है कि तरफ बंद हुक्म देंगे किन देना तो सकार फरमाया कि बेशमाफूम इन कि मेरा ऐसा सच्चा आशय है कि अगर मेरे रोज़े पार आ गया तो मेरे को शेष दरवाजे तोड़ के इंधे इस्तान कर اج भी हजरत मौलाना عبد الرحمان جامیر رحمتہ اللہ علیہ جو پرشنن مطلب ہے اپ جو عبد روف روف صاحب جو کلام سنائے وہ مطلب ہے کہ ایسا ہے کہ کوئی بندہ کتنا بھی سخت دل ہوے ہیں کہ دل تے نرمی محسوس کرے وہ مطلب ہے کہ اکھیں تے اپنے ہنجو نہیں ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਹੋਵਿੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਇਹ 올ੀਆਂ کرام ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਫਿਲ ਸਜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਰੰਗ ਹੈ

और अक्सर महाफिल में जब जाना होता है तो इस कलाम की भी होती है कि ये कलाम अच्छा, आपने पढ़ना हालांकि एक एक फारसी फरमायर फारसी एक है है बड़ी गोयम के सुखन दानम या रसूल कि मैं तो क्लेम ही नहीं करखंड जानना तुरी अकदस से बारे गाँ और जामी जैसा एक ऐसा बेहतरीन शख्स एक ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਦਾਸ ਤਬੀਅਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਵਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਅਸਰ ਥਿੰਨ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਵਲ ਅਸਰਾਂ ਨਿਕਲਣੇ ਹਨ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਸ਼ਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਬੇ ਆਦੇ ਪੈਨ ਫਾਰਸੀ ਕਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਪੜ੍ਹੀਂਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾ ਉਪੜ ਹੈ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਢਿਲ ਡਿਉਸ ਘਨੇਰੀ ਹੈ ਅਜ ਨੈ ਨਾਲਾਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਝੜੀਆਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਾਤ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਤ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਹਰਫ ਹਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਤਨਾ ਬਰਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੂ ਸ਼ੁਰੂ ਥਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਲਾਗ ਥਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਈ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਲੇਕਿਨ ਗਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਈ ਗਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਇਨਾ ਇੱਕ ਗਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁੰਦੇ سلسلے ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਨਾਥ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਫ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ ਆਸਾਨ ਇਤਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਆਂਦਾ ਵਹਿੰਦਾ ਸਮਝ ਆਂਦਾ ਵਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਤਾਸੀਰ ਇਤਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਆ ਕਲਾਮ ਬਈ ਗਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋ उतनी तासीर नहीं लेकिन अल्लाह से बनते हैं तलफुज हाँ। से, लवस तासीर से बनते हैं, तलफुसे नहीं लफ्ज ते तलफ से नहीं अहले दिल आज भी है आगे अहले सुबह से हजूर थोड़ी देखो कि दुनिया कितने लोग जिन्होंने हजारों किताबा लिखी लफात हुए लेकिन तो न देखो दस्ते है? दे कलम न निकली हुई है हर वक्त इतनी डिमांडों लोग पढ़ते पैन दुनिया की हर जब चुके हैं जो तुमने फरमाया न जी कि जो चीज़ कबूली दर्जा कर ਬਲਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰ ਮੇਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤੁਲ ਅਲੈਹ ਦਾ ਜੋ ਕਲਾਮ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿੰਦਾ ਪਿਆ ਭਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ ਔਖਾ ਕੋਈ ਫਲਸਫਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਮਝਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਨੂਰ ਸਚਾਈ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਦਿਲ ਤੋਂ ਗਾਲ ਨਿਕਲਦੀ ਏ ਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਵਹਿੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮੈਂ ਆਖਣ ਦਾ ਅੱਛਾ ਗਾਲ ਅਸਰ ਗੁਫਤਗੂ ਦਸਿਸਤ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੂ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ चूंकि वक्त भी महदूद होंगे लेकिन तुसा सही फरमाया कि इन इतनी वुस्सत है जी कि एक महदूद पीरियड के अंदर इन्होंने हस्त अंदर उत्तर गुफ्तगु करना बेमूल क्यों असा अगर औराक को चाह के देते दे हैं तारीख़ के औराक को और ख़ास तौर पर मार्फ़त के औराक को तो हुक्म बड़ा अहम ही पै इ अंदर आप वहाँ पहुँचें आप वहाँ जाएँ आप वहाँ जा तबलीग करें तमाम ज के नाल तमाम सूफियाँ नाल ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ ਫਰਸ ਕਰੋ ਪਾਕਪਤਨ ਪੁੰਚਾਰੇ ਤੇ ਪਾਕਪਤਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁੰਚਾਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸੰਲਾਖ ਕਹੀਂ ਚਿਟਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਚਾਰੇ ਤੇ ਸਖੀ ਸਰਵ ਸੁਭਾਨ ਲਾ ਕਿੱਥਾ ਕਿੱਥਾ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਆਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਕਿੱਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਹੁਕਮ ਦਾ سلسلہ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਸੇ ਹੁਣੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਪੰਗ ਜੈ ਫੈਜ਼ ਪਾਕ आपका हरम शेर अहल शेर खुदा क्या जाहिर मैं तो पहले भी दरम्यान अर्ज किए कि अज भी वह हस्तियाँ हैं क्योंकि अगर ये खत्म हो क्या मत आवे क्योंकि जितने तक फैज का सिलसिला जाहिर सबने चलना रहा इस मूव ठीक है ਗੱਡੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਸਾ ਚਾਹਸੂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨੋਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਛਾ ਇ ਗਾਲ ਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਰਾਏ ਦਿਸ ਦੂਜੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਕਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਫਰਮਾਈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਥਿੰਦਾ ਵੈਂਦੇ

मैं अभी भी ऐसे लोग अबाप को वाकफ जानना जिंदा सकारी दौरे दरबार पागना रहा है जो हिदायत वसूल शुरू कहें है जो रूहानी फैज हासिल कहें सारे सिलसिला खत्म नहीं थी यह सिलसिला कैमद बाद जा रही सरकारी दौरे में आप फैज जो दुनिया बनी है छू थे भा। अब तक राशि ताइ आखिया बेशक ख मखदूम सा अल्लाह के नेक वलिया खुदा ने अपनी यानी एक ऐसी शहनशाही अता होंगी है कि बड़े बड़े शहनशाह उन्होंने आ दोनों यानी जानू जमीन अपना एजहास समझते हैं हज़रत महारवी साहेब वास्तव भी आख्या गया है कि नवाब उमराह ਔਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਆਪ ਦੇ ਅਸਤਾਨੇ ਤੇ ਅਸਤਾਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸਤਾਨਾ ਬੋਸੀ ਕਰੇ ਸਨ ਇੰਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਲ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤੋਰੇ ਕੋ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹ ਸਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹੀ ਮੈਂ ਐਸੇ ਕਿ ਆਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਬੀਬੀ ਆਕਿਲ ਬੀਬੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਅਲੈਹਾ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਖਾਬ ਰਿਠਾ ਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਬੀਰ ਚ ਰਸਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਬ ਆਈ ਉਹ ਇਹੋ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਠਾ ਕਿਸ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਈ ਔਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਖਾਬ ਦੱਸ ਗਿਆ ਖਾਬ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵਾਬ ਬਾਹਵਲਪੁਰ ਈਾਸਤ ਬਾਹਵਲਪੁਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਆਕਾ ਨਾ ਦੀਨ ਦੇਵੀ आप दे मुरीद को बइत मिली है दरबार जनाबे खिजर आंदे वाल बइयत दी गई जिन्होंने कोई लफ सिक्ख्या पढ़िया कोई ना हो कोई तालीम कोई ना हासिल की मगर बाद एक ऐसी किताब लिखी जी अज जाम अजहर अज भी वह किताब पढ़ाई वह ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਧੇ ਸਾਰੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਰਿਵਾਇਤ ਇਤਨੀ ਇਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਤਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਕਤਸਾਬ ਇਲਮ ਹੈ ਦੂਰ ਹੈ ਨਾ ਸੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਕਿ ਇਕਤਸਾਬ ਇਲਮ ਵੀ ਹੈ ਤਖਲੀਕ ਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਤਖਲੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਗਾਲ ਇਕਤਸਾਬ ਇਲਮ ਹੈ आती दी है दी मैं तो गेर थी गया या कोई मैं रशर थी गया जो सिलसिला जारी थे तो, तो मतलब है मगर सिलसिला जारी थी मुसलसल जा। खानक निजाम जी। जी। एक मुस्तकिल निजाम है मैं समझना कि अजक जो यानी कि सब प्रॉब्लम फेस पोसाइटी यानी कि मुआशरती प्राप्त जी सब सबको वजह है कि असर खानकही निज़ाम को हफरत मुजहरा किए अगर अज भी खान कही निज़ाम को अवली दी वजे इनते कंसंट्रेट किया मैडम मुआशरे के बहुत सारे मसैल हाल सिर्फ खानक निज़ाम बहुत बहुत अच्छी बात है और ये यकीन एक अच्छा पहलू है कि अगर इख्तियार ख्वाजा महारवी साहब के सिलसिले न

इं हवाले नूंकि प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी सेगमेंट दाखिल साजवान अज का सा नौजवान, नौजवान। तहकीक करेंगे बेशक चूंकि सौ शायर अदीब लिखारी मौजूद है आप भी तहकीको सिर् गाल मंजर आम तो नहीं कहते मगर क्या सा नौजवान इन सिलसिले को भी अपनी तहकीक़ में शामिल रखी पे या सिर्फ दीनी यानी दुनियावी पास अपना रुझान रखी पे तो सचो कि डॉक्टर हो ਤੁਸਾ ਜਦੀਦ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਲਸ ਲੈ ਆਤ ਰੂਹਾਨੀਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਬਰਨ ਕੋ ਲੈ ਜਵਾਬ ਸਰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਬਕ ਕਰੇਨਾ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਸਮ ਹੈ ਇੰਦੀ ਜੀ ਬੇਸਿਸ ਹੈ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਚਲਾਉਣ ਉਹ ਹੈ ਰੂਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਰੂਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ इंसानी जिसम हर चीज़ जो मौजूद होती लेकिन एक ऐसी चीज़ निकल है निकली चीज़ निकल निकली ऐसी निकली मिली है कि वो चीज़ अपना अपना कोई फेल अंजाम नहीं वाह इसी गुण दुनियावी मसैल जितने भी हैं मैं समझना थोड़े प्रोग्राम की यानी कि मुनासिब वसात ना ये मैं पैगाम भी अर्ज करना चाहना कि अल का जो नौजवान है अगर यानी कि अपने मसैल का हल चाहिए सही ਤੇ ਉਕੂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜੇ ਰੋਹਾਨੀ ਕਫੀਆਤ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜੇ ਰੋਹਾਨੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਹੈ ਜੁੜੀ ਉਕੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਸੰਧਿ ਸਿੱਧੇ ਪਾਕ ਐਨੇ ਬੈਗ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪਾਕ ਤੇ ਉਲੀ ਅਕਰਮ ਸਿੱਧੇ ਪਾਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਹੈ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਸਿਆਲ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਇੰਸ ਦਾਣਾ ਨੇ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਦਾ تعلیم ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਇੰਸ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਈ ते एक एक ऐसे रोशन उन हिकु परंदा एसे रोशनदान गुज़ारा जो हू उन आई अॻु वञे हू मर वञण अच्छा उन्हनि किता जेॾे वि पर गुज़ारा उन्हनि पहले बि वज़न किता गिया बाद वज़न किता गिया वाह जे वज़न किता गिया उन ते वज़न जी कमी कोई न आई ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋ ਉਡਾਈ ਵਦੀ ਆਏ ਵਾਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਵਜੂਦ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਾਲੀਦ ਕੀ ਵਾਸਤੇ ਤਸੱਵੁਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਿਲਕੁਲ असल जिंदगी जी अगर ये तनाज़ों रिठा मजे वो तो वाली तस्वफ ही हैत को ताकत ले तस्वुफ जरूरी है तस्वुफ जो इस्लामी तस्वफ़ है खास तौर पर ताकत बख्शेंदे और जवाज़ जिंदगी पैदा करे क्या बात है खूबसूरत खूबसूरत अंदाज खूबसूरत बात नौजवान को पुछते हैं तौरे पर कि इन्ह की क्या राय क्या हमारा नौजवान इस वक्त इन चीज़ों के ऊपर यानी अपनी तहकीक को इस तरफ भी किए किया मैं, मैंने अभी आपसे पहले भी ये बात अर्ज़ की थी कि लोगों का शरीफ के हवाले से जैसे था ये जो फरमाइशें होती हैं नौजवान जो अहबाब होते हैं प्रोग्राम्स में एक तो एक ओल्ड एज जो लोग हैं उनकी तरफ से फरमाइश आए वो समझ आता है इस चीज़ को वो समझते हैं मैं अक्सर जो शहर से बाहर जाना होता है कराची वाली साइड पर तो वहाँ पर आ, ये नौजवान तबकों की ये नौ, नौजवान जो अहबाब हैं उनकी तरफ से ये फरमाइश आई भी होती है इस तरह के कलामों की यानी वो इस तरफ भी रकबत रख रखते हैं बुज़ुर्गों के कलाम को सुनना और बुज़ुर्गों की तालीमत पर अमल करना और इस तरह का वो जो सारा मामला है और ख़ास तौर पर भी मैं आ, मनकबत पेश करनी है अपनी नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब रहा इनके कलामों की बहुत ज़्यादा फरमाइश आई भी होती है यानी लोग बुज़ुर्गों के कलाम भी सुनते हैं बुज़ुर्गों को मानते हैं बुज़ुर्गों की तालीमत पर अमल भी करते हैं तो वो इस तरफ भी बड़ा वो माहिल होते हैं तो मैं तो बहुत इस चीज़ को देखता हूँ और खानकाही खान निज़ाम के ऊपर जैसे बात हो रही है अक्सर दरगाहों पर नौजवान ज़्यादा होते हैं बहुत अच्छी बात नौजवान ज़्यादा होते बात हैं हालांकि उनकी तरबियत का वो मामला होगा जिस तरह भी तो वो एक मैंने तो बहुत इस तरह मामला देखा है और अलहमद मेरा ख़ुद भी जाना होता है ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜਾਤਾ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਪ ਦੂ ਅਕਾਬਰੀਨ ਦੀ ਜੋ ਫਰਮਾਈ ਗੁਫਤਗੂ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਸਦੀਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਨੌਜਵਾਨ نسل ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ نسل ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਇੂਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਰਫੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਔਰ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਮਖਦੂਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਫਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜਾ ਮਾਨੇ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮਹਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ वापसी देते हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन साहब ने ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी साहब को फरमाया कि आपके कंधों पर मखलूक का बोझ पड़ने ये हूँ बज़ाहिर लाइन है मगर एक आम इंसान की समझ तो बाला तारे के भी इतनी मार्फत की गल किमें हो गई है तो कुरीदड़ पता लगा ये सुनकर ख्वाजा नूर मोहम्मद ख़ुद भी हैरान थी गए उन्होंने कहा जी शाह फखरुद्दीन साहब फरमाया खामोश खामोशरे के हज़रत फखरुद्दीन देलवी ने आपको को खिरका है खिलाफत खिलाफत अता करने का हुक्म फरमाया मार्फत जो चीज़ें हैं उन्होंने को हासिल वास्ते मन के अंदर मार्फत आम बहुत जरूरी है बिना मार्फत के कोई गल अ नहीं सकती यानी इंसान दे डो बखी एक चीज़ देखते बैठे अगर दिल दखी सफ़र करें कई चीज़ को देखने वास्तव चीज़ खूबसूरती अच्छे अंदाज दे बयान देती है ਇੰਦੋ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੰਦੀ ਗਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ تھی ਚੁਕੀਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਲ ਕੀਤੀ Hazrat Fakhruddin Fakhr Jahan Rahmatullah Alai ne ਕੋਈ ਆਮ ਬਦਕਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾਮ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਾ ਵੀ ਇਹ ਇਲੈਕ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਹਸਤੀ ਥੀ ਗਈਏ ਤਾਂ ਬਲ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ महारवी साहब एक ऐसे मकाम तान जिता उ सरदारा को उन्होंने नाल कोई मतलब पसंद और नापसंद भी कोई सिलसिला कायम थे और आपने उन्होंने लिखा कि शायद सारी सरदारी क्या दुनिया की सरदारी को दीन सरदार को दुनिया की सरदारी को नुकसान दे सकते जरूर ये बड़ा अच्छा सवाल किया बड़ा बैस्तर गल है तुझे अगर हजारों पास जिंदगी मुबारक देखो ज आप इस्लाम तबलीग शुरू की है अपने सफा के अपने कबैल के लोगों को इकट्ठा किया दो तेरह सवाल किए आपने फरमाय मैं थोड़े दरमियान चार साल की जिंदगी गुजार चुके हैं, क्या तुम तो सब मैं क्या समझते हो उन्होंने आख्या जी आप सादिक तो अमीन हो क्या बात है यानी कि असा तुम तो सच्चा पाया असा तू तो रास्ते पाया है, अस समझ नहीं सदते कि तरह सच्चाई तो हट के कर सकते हो लेकिन जिसने आपने फरमाया कि अगर मैं अच्छा दूसरा क्वेश्चन आपने किया कि अगर मैं ये आखा कि सफ़ा के पहाड़ के पिछले बड़ी बुरी फौज है हालांकि इमेजिनेशन है एक तमशीर पेश है हूम फौज हमला करी है क्या यकीन के सो उन्हें आखिया आप जो फरमेंगे प्य हो सच फरमेंगे प्य हो लेकिन जिस आपने ला इला मोहम्मद दावत दी और सारे लोग वो जो चंद लम्बे पहले आपू सारी मीहे पैन आप खिलाफ़ हो गए सही है जी क्योंकि जी दावत है इस्लाम की दावत है ये सिंचाई की दावत है जिन्होंने हजूर पास को लैके औलिया कराम लैके अगू चल हैं जो मुकामी लोग होंगे जोड़े के दुनिया दुनियादार होंगे जोड़े के जाओ हशम तलब के तलबगार होंगे जोड़े के बुक्स हसद तो मुनाफकत का शिकार होंगे ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਸਤਮ ਨਾਲ ਮੁਹਾਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਦ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਇস্তਬਦاد ਦੇ ਕਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਇস্তਬਦاد ਦੇ ਕਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੱਟ ਸਮਝਦੇ ਹਿੰ ਗਾਲੂ ਉਹ 올یاء کرام ਦੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ଥିਵੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਦੇ ਕੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਸਤੀ ਹੋਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਤਨਾ ਸੌਫਟ ਇਸਲਸਲਾ ਹੈ 올یاء کرام ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਈ ਹਨ ਉਹ ਯਾਦ ਕੋ ਮਹਿਸੂਸ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨੂਸ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਅਸਰ ਵਾਲਾ ਕਿਆ हनुज दिल्ली दूर तो वाक्यू तो बड़ा मशहूर वाक्य है खाजा जी, है। जी? कि ऐसा कि बादशाह वक्त आप खिलाफ आई है उन आप मतलबे आप तो बड़ा शरीर हमला करना चाहता है सच्चाई दी दावत है हमेशा तरीके हैं बध रिकूमत ने हमेशा चैलेंज समझे लेकिन अल्लाह तला फैसला आपका एक सिलसिला मुल्तानी कायम थे खलीफा शाह जमाल मुल्तानी के हवाले और मुल्तान है चिश्तिया आया भी इन्होंने वजह नारे को फुरमान जी हजरत जमालउद्दीन मुल्तानी रहमत ऐसी हस्ती हैं इन्हें अगर जिंदगी पढ़ी बने तो इस ओलिया क़राम की जो लाइफ स्टाइल है बड़े मुफ्त आप पेशेवर एक सिपासलार हैं सिपाही आप जो ना फनून हर्ब दे एक्सपर्ट हैं इनके बावजूद आपने ओलिया क्राम का जो यानी कि बुर खतर रास्ता है इन्हें कदम रखे आपने अपनी मुरीद इख्तियारी को के आपने देखो तो मुल्तान ज मुलतान नवाब मुजफ्फर खान आप मुझे हैं जी आपने अपने दौर गैर मुसलमान जंगा कितिया हैं जी एक ओलिया ऐसा किरदार नजर नहीं आता मतलब है कि दो रुखी एक पास द्वारा ठीक है जी तो या आप सहाा करा नजर आती है, है? उनके बाद तो अगर देखो एक यानी कि अगर तो किन बास के बस हो तो मैं गुजारिश कह सस्व कि इब्त क्यों थी इनकी आइसोलेशन क्यों थी उनकी गुफ्तू है कि ओलिया क्राम नाकूँ तुम देखो कि साकू जो खुल्फा है पंजम है उन सा जितने भी कराम वक्त ओलिया भी हन

माम मुजफर शिफा सलार आप आपने प्रेक्कली मुल्तान दे दिफाव इस्लाम जवाब जंगल मखदूम सा बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन प्रोग्राम अपने अख्ताम की साड़ी यूनिवर्सिटीज़ साढ़े इदारे असा दुनिया के सारे अलूम पढ़ते पे हैं असा इन्ह अलूम को क्या हैसियत दी हुई अपनी मौजूदा तलीमी निज़ाम सवाल मैं यही गलू तुरे चूँकि तुरा एक सिलसिला ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਆਰਸ ਕਰੇ ਨਾ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਇਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅਫਾਦੀਅਤ ਵੀ ਨਾਲ ਦਸੀ ਬਣਾਏ ਅਫਾਦੀਅਤ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲੇ ਕੋ ਲੂੰ ਜਾਂ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਕੋ ਲੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੀ ਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਤਨਾਜ਼ਰ ਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਤੁਹਾਰਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਗਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ

अखज़ कर सकूानियत एक बैयद सिलसिला है इलाज का बिल्कुल तालीफ को दूर कर डॉक्टर साहब आपकी आमद का बहुत शुक्रिया गुफ्तु माशा आपकी आमद का बहुत शुक्रिया आपका शिव खेना है आपने प्रोग्राम करो नक बखशी और अपने हिस्से का सवाब भी हासिल किया मखदूम सामद का बहुत शुक्रिया आप तो शिव खेना है अपना वक्त दिवगे नाजिर वेला को इजाज़त घिरणता त सवे के सिलसिले का अज का प्रोग्राम खाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमत है आप दमात तक पहुंचया आपने प्रोग्राम लिखा भी सही सुने भी सही उम्मीद है कि सारे अकाबरीन ने जो गुफ्तू की वो यकीनन तौरे दिलो दिमाग से उन्हें असर किया अपने मेजबान को इजाजत दिसो मगर आखिरी कलाम सुनते चल सू हमजा रूफी आए पास और पूछते हैं कि हमजा रूफी साहब कौन क्या सुनने इमाम अली मक़ाम की मनकबत है पी एस सैद नसीिरुद्दीन रसूल की लिखी जिसके जरूरत पर जहाने रंगो बू सजदे में है जिसके जरूरत पर जहाने रंगो बू सजदे में है आज वो रमजान शाये सज़दे में है और करबला की खाक पर क्या आदमी सजदे में है करबला की खाक पर क्या आदमी सजदे में है मौत रुसवा हो चुकी है जिंदगी सजदे में है मौत रुसवा हो चुकी है जिंदगी सजदे में है और इस पे खैरत क्या रजू जमीन करबला राख बे दो शे पयम्बर आखिरी सजदे में है और अल्लाह अल्लाह दे मुस्तफ़ा जैसे खुद जाते पयंबर हुदे हु में है और वो जो एक सजदा अली का बच गया था वक़्ते फजरी वो जो एक सजी दली का बच या था वक्त फजरी फाते माँ का लाल शायद अब उसी सजदे में है फाते माँ का लाल शायद अब उसी सजदे में है और कौन जाने समझाए नसी भी दो मबूद की जो गुफ्तगु सजदे में है आ भी दो मबूद की जो गुफ्तगू गु सजदे में है कर बला की खाक पर क्या आदमी सजदे में है मौत रुसवा हो चुकी है ज़िंदगी de de